Click the subscribe button and press the bell icon to never miss a video from Josh Talks. Perseverance is a habit, which is a habit of victory. Aisa main manta hoon. And it's kind of held me in good stead all my life. I'll begin with a quick story. एक 16 साल की लड़की की कहानी जो कि दिल्ली में 11वीं कक्षा में था और बैरी जॉन नामक एक बहुत बड़े एक्टिंग गुरु हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ही इज़ वन ऑफ द प्रीमियर एक्टिंग टीचर्स इन इंडिया. उनका इंस्टीट्यूट उस टाइम दिल्ली में हुआ करता था, नोएडा में इमागो करके. तो उस 16 साल के लड़के ने उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए बार बार लगातार कोशिश की और हर बार उसको भगा दिया जाता था कि तुम अभी 16 साल के हो, द कोर्स इज़ फॉर अडल्ट्स, कम बैक व्हेन यू आर 18. एंड दिस केप्ट हैपनिंग थ्राइस व्हाइल ही वाज इन 11th. अ ईयर लेटर वो लड़का फिर से गया. ही स्टार्टेड पेस्टरिंग बैरी जॉन. बैरी अगेन केम टू हिम एंड सेड, यू 17, कम बैक द नेक्स्ट ईयर, यू नो, वंस यू 18, व्हाई आर यू बीइंग सो रिलेंटलेस. एंड द बॉय सेड कि next time I'm going to shift to Bombay because I want to be an actor. So I'll study at Xavier's and I'm going to do theater there. So please let me do your course. And Barry took a 10-second pause. And I swear to you, that's a pause which I'll never forget all my life. Because wo ladka main hoon, and he allowed me to do that course at 17. But to cut a long story short, if I hadn't pestered him over 2 years, I visited his office 6 times, it wouldn't have happened. And if I hadn't done then, I don't think I would be able to do that course for the simple reason that Barry doesn't teach now. He is in Bombay, but he doesn't teach people because he's A, very old. So we were very blessed that we got a first-hand interaction with the man himself. My name's Anshuman Jha, I'm an actor. This is what I told to him when I did that course at 17. And this is what I tell everyone as I continue to do work. Quickly zipping forward, I was born in Allahabad, तो भगवान की कृपा से मेरी हिंदी ठीक ठाक है उसकी वजह से. और दिल्ली में बड़ा हुआ तो हिंदी और बेहतर हो गई, थोड़ी गालियाँ भी सीख ली मैंने. यहाँ पर मुझे अभी बाहर राकेश रावत मिले, हु इज़ डूइंग कैमरा. उन्होंने इतनी गालियाँ दिलवाई हैं अपनी पिक्चर में मुझसे, और वो सब थैंक्स टू दिल्ली है, क्योंकि असलियत में मैं गाली देता ही नहीं हूँ. सो मैं दिल्ली पहुँचा लेट 90s, एंड उसकी वजह से थिएटर और करने का मौका मिला, बिकॉज देर वर कॉम्पिटिशन्स, देर वर इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स. एंड उस दौरान मेरा थिएटर से इश्क बढ़ने लगा. मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी बहन बॉम्बे में थी, एंड उससे भी अच्छी किस्मत थी कि वो यहाँ काम करती थी. तो क्या होता था, जब मैं छुट्टियों के लिए आता था 3 महीने के लिए, अगेन इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली हैज़ दिस चंक ऑफ 2.5 months ऑफ समर वेकेशंस. सो माई सिस्टर यूज़ टू फील गिल्टी कि बेचारा घर पर अकेला बैठा है, आई विल गेट हिम ऑक्यूपाइड. So she asked me, what do you want to do? And I said, I want to, you know, do theater at Prithvi. And Prithvi had just started these summertime acting workshops, which have continued ever since. And I am a product of that. So from the time I was 13 till the time I was 16, har saal mein 3 mahine ke liye Bombay aata tha. Aur Atul Kumar, Ramnath Tharwal, Sanjana Kapoor, in sab ke saath alag alag acting workshops karta tha. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 11 से 1 मेरा पहला सेशन होता था और मेरी बहन 2 वर्कशॉप्स के लिए मुझे इनरोल करती थी, तो 3 से 5 दूसरा सेशन होता था. और वो जो गैप होता था 1 से 3 के बीच में, व्हेन आई यूज़ टू बी आइडल, आई यूज़ टू जस्ट हैंग अराउंड एट पृथ्वी. सो मकरन देश पांडे वुड बी रिहर्सिंग, सो आई वुड गो एंड सिट ऑन हिज रिहर्सल, या फिर दुबे जी वुड बी रिहर्सिंग, द लेट दुबे जी, गॉड ब्लेस हिज सोल. वेरियस थिएटर ग्रुप्स वुड रिहर्स एंड आई वुड जस्ट गो एंड हैंग अराउंड विद देम लाइक अ लिटिल किड. और मैं बच्चा था तो मुझे कोई रोकता नहीं था. और इसी एक रिहर्सल के दौरान रामनाथ थरवाल एक नाटक उस टाइम शुरू कर रहे थे जिसका नाम था झगड़ापुर, और उनका एक एक्टर आया नहीं, और मैं वहाँ बैठा हुआ था और मैं उनका वर्कशॉप कर रहा था सुबह 11 से 1. और उन्होंने कहा कि, और वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप टीचर हैं, तो उन्होंने कहा वो आया नहीं, तो उन्होंने 2-4 गालियाँ दी उसको. फिर उसने कहा तुम इधर आओ, उसकी लाइनें पढ़ो. एंड आई जस्ट रेड हिज लाइन्स एट द रिहर्सल. एंड द नेक्स्ट डे द एक्टर केम, उसको बहुत झाड़ पड़ी, एज अ पनिशमेंट फिर से मुझसे लाइनें बुलवाई गई, क्योंकि मैं फिर वहाँ 1 से 3 घुस गया था. और तीसरे दिन वो फिर बीमार हो गया, तो सर इतना गुस्सा हो गए कि कहते हैं वो प्ले ही नहीं करेगा, तुम करोगे प्ले. तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली चला जाऊँगा. तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बहन से बात कर लूँगा, समर टाइम के प्ले समर टाइम में ही होते हैं,
तो तुम 15 दिन स्कूल मिस कर लेना, शोज करके जाना. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन कि पृथ्वी पे एट अ स्ट्रेच द शोज यूज्ड टू हैपन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, 6 शोज और 10 शोज. सो दैट्स हाउ आई मेड माई डेब्यू एट पृथ्वी. एंड अगेन परसिवियरेंस. विदाउट परसिवियरेंस टैलेंट आई ट्रूली बिलीव इज अ बैरन लैंड. Now imagine if I hadn't pestered and gone to the rehearsals every day. A lot of my friends and colleagues who were doing workshops at that time used to chit-chat, hang around. And with all due respect to them, the difference why I got to do the play and they didn't, and trust me, some of them are finer actors than I am, was because I used to quickly dubao my ban maska, eat, and run behind to see rehearsal kaun kar raha hai and baith jata tha, which is how I got Ramnath Tharwal's play. Jhagdapur I did, Sanjana Kapoor saw me, I was cast in a play called Lalchi, and it became a yearly pattern for me that I would come, do workshops, and perform at Prithvi during doing workshops. Post which Atul Kumar, during one of my workshops, one of my most favorite directors, and probably Hindustani theater ke sabse diggaj nirdeshak. Have you guys seen Atul's plays? Pia Behrupia, Anyway, noises off. Mera sabse favorite natak hai. Atul ne mujhse kaha ki Anshuman, tumhe actor banna hai, tum Xavier's padhne aane wale ho. Before you leave Delhi, Barry John karke ek teacher hai, unka course kar lo. Which is how I started pestering Barry, and I have already told you how that panned out. Post which Barry cast me in his play called It's All About Money Honey, which is how I ended up acting in his play. Before I left Delhi, the day my class 12th exam got over, I was booked in a Rajdhani at 4 p.m. that day. I came to Bombay and main thoda chooser type abhi bhi hu, us time aur bhi bura tha, patla sa, lanky, and everybody used to tell me the acting ka kaam nahi milega aise. So everyone told me that you should assist, yeah, you learn a lot. And I come from a middle class family, to aisa nahi tha, I had a lot of money. So I thought agar main assist karunga to paise ke paise mil jayenge, contact ke contact ban jayenge, aur kaam ka kaam seekh lunga. And believe you me, everything that I've learnt on a film set as an assistant director holds me in good stead as an actor now. I learned exactly what not to do. More important than learning what to do, because craft is something that you learn as you move forward. But it's very important to focus on just the job at hand. It's something that led to a lot of work which I did, because मैं आपको एक छोटी सी जल्दी कहानी बताऊंगा. 2008 में एक फिल्म आई थी ओए लक्की लक्की ओए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? ब्यूटीफुल फिल्म, राइट? आई लव दैट फिल्म. एंड पीवीआर जुहू आई सॉ द फिल्म विथ माय देन गर्लफ्रेंड, एंड आई रिमेंबर स्टेपिंग आउट एंड टेलिंग हर दैट यू नो आई वांट टू मेक माय डेब्यू विथ दिस डायरेक्टर. एंड इट वाज जस्ट थिंग्स सेड इन जेस्ट, लाइक आई जस्ट सेड इट. एंड अ ईयर लेटर अतुल मोंगिया वाज कास्टिंग फॉर Love Sex Aur Dhokha, and my friends, again very fine actors, Amol Parashar and Abhishek Saha, who do a lot of theatre and web work, they told me that this is happening, this is the email address, email bhej de, photos bhej de. So I sent my images and kuch jawab hi nahi aaya ek hafte tak. And us dauran mein ek natak kar raha tha, Bali the Sacrifice, Girish Karnad ka play. So I was rehearsing outside Prithvi and Atul bumped into me and he said that, you know, I'm casting for this film, why don't you send me pictures? So maine kaha, Atul, I sent you pictures a week ago. You didn't reply. So he said, no, I didn't get any pictures. So I quickly took out my mobile and I showed him the SMS of the email address which I had, which was atulmongia@gmail.com. And he said, no, 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 there's a dot in between. So it needs to be atul.mongia@gmail.com. So a week later, I sent him the pictures again and he ended up calling me for an audition. And then after 3 rounds of auditions and 3 rounds of testing with other girls, LSD finally happened. So, now what are the odds of me being at Prithvi at that time, a week later, and Atul being there? Because I had sent an email from my side. So, these are little things which hit you in hindsight when you look back. On LSD, Dibakar, the first thing Dibakar told all of us was, the first thing to learn about acting is to unlearn acting. And it's a simple statement, but I personally feel very few people understand it. Because aap mein se kitne log actor banna chahte hain? Do we have actors here? Nice one. Oh, two.
Lovely. Especially for you guys, I see a lot of my friends when there are times jab hamare paas kaam nahi hota. It happens with the best of actors. Ki hum khali baithe hain, kaam hi nahi hai aur. Aisa ho sakta hai ki you've got a big high. Like after LSD, I was in every newspaper. I was nominated as best debut. लेकिन मैं थोड़ा झक्की टाइप का हूँ तो उस टाइम मैंने वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में एक नाटक है डर्टी टॉक उसके कास्ट में मैं घुस गया था आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द यूके तो मैं छः महीने के लिए उसमें बिजी हो गया एंड आई लेफ्ट फॉर लंडन फॉर अ मंथ टू परफॉर्म इन मैनचेस्टर लंडन एंड एवरी वन टोल्ड मी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यू नो योर फिल्म्स जस्ट कम यू शुड नॉट लीव बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई ऑलवेज टेल एक्टर्स दैट गेट एक्सपीरियंसेस अब्जॉर्ब Because you do not know what will help you when. While I was in London, I got to train in parkour with the Germans, the original experts at it, because they were there at the World Theatre Festival. And I workshopped with them for a week. I also, as a kid, have trained in Taekwondo. I'm a black belt. And I trained in Kalaripayattu randomly when I didn't have work after LSD. Currently, I'm testing for probably the biggest film of my life. Because I'm trained in Taekwondo, parkour, and Kalaripayattu, which wasn't planned for a film, but it's coming into use now. So because I didn't waste my time partying and drinking and doing all the things which people end up doing when they don't have work, it's paying me now, which is my tip to anybody who wants to act that do not waste the free time you have because it's not a waste, it's a blessing. Because you can do value additions. And there is nothing like adding value as an actor. Learn a new martial arts form, learn a new dance form. Just meditate, go for new training sessions. Aur aap mein se kuch logon ko lagega ki ye bahut boring baat hai ki fir se wahi kare, fir se wahi seekhe. Kuch bhi fir se nahi hota hai. Kyunki mujhe agar mauka mile to main Barry John ka course abhi dobara karunga. Kyunki my takeaway from the course now at 30 will be very different from at 17, and which is what acting is all about, in terms of pure craft, when I say. Ki aap experiences seekhte hain, aur phir jo jo dheere dheere seekhte hain, aap usse wo project karte hain. Aapki pehli film aa gayi, uske baad sab log, there's a favorite term going around called nepotism, and I think it's a hoard of bullshit, because I think if you're good at something, you'll find a way to get there. It might take some time, which is where perseverance comes in, लेकिन एक और चीज़ है जिससे एक्टर्स को बैटल करना पड़ता है वो है फेवरेटिज्म जो कि बहुत प्रेवलेंट है और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं लेकिन आई हैव अ हैबिट ऑफ हैमरिंग माय ओन फुट सो आई विल टॉक अबाउट इट इवन आफ्टर यू डू योर फर्स्ट फिल्म और योर सेकेंड फिल्म दैट्स अ बिगर बैटल फॉर एक्टर्स विद इन द इंडस्ट्री एंड हम सब फेस करते हैं चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी एक्टर हो जिसने एक फिल्म की है पाँच फिल्में की हैं दस फिल्में की हैं उसकी फ्रस्ट्रेशंस अलग होती हैं कि यार कोई रोल है जिसमें मैं फिट मैंने टेस्ट किया बहुत अच्छा किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला क्योंकि नॉट बिकॉज आई वॉज इन गुड बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन्स अगेन डोंट लुक एट वाई यू डिडंट गेट इट अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक देयर मूव ऑन पुश इट फॉरवर्ड फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव डन योर बेस्ट यू शुड गो बैक होम लुक इन द मिरर एंड से कि बॉस I was the best at what I could do. And that's all you can do as an actor. Control the controllables and keep at it. Because eventually it boils down to how long you last, boss. Agar aap yahan 30 saal tak tik gaye aur seekhte rahe aur achha kaam kiya, to jhak maar ke duniya dekhegi aur taaleem maregi hi maregi. And if you give up, like a lot of people do midway because of disappointments, no one else to blame except you. Which is why I come back to where I started. That perseverance is gold. Being persistent. भगवान भी उसी को देखता है जो लगा रहता है तो आप लगे रहो और छोड़ो मत चीज़ें क्योंकि आप अगर छोड़ दोगे तो कोई ब्लेम करने को रहेगा ही नहीं ना आपने छोड़ा है और बहुत मुश्किल है एक्टर बनना बहुत बहुत मुश्किल है रियाज करना बहुत ज़रूरी है थिएटर हैज़ बिन अ बिग रियाज फॉर मी एज एन एक्टर सारे आर्टिस्ट्स रियाज करते हैं सिंगर्स रियाज करते हैं डांसर्स रियाज करते हैं हम ही सिर्फ एक्टर्स हैं जो उठते हैं बाल बनाते हैं मुंह धोते हैं और सोचते हैं कि बॉस कैमरा ऑन करो बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ देखो खुद को और चाहे आपने एक फिल्म की है दस फिल्में की हैं सौ फिल्में की हैं कीप वैल्यू एडिंग कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स यू टू परफेक्शन
बिकॉज जब आप खुद को स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार झूठ हो गया वहाँ. विच ब्रिंग्स मी टू अनदर बिग एस्पेक्ट एंड दिस इज़ वेयर आई एंड, कि लोग कहते हैं अच्छी एक्टिंग इंटरनल एक्टिंग होती है सिर्फ. ट्रू, बट एक्सटर्नल एक्टिंग भी बहुत अच्छी एक्टिंग होती है मेरे हिसाब से. यू फॉर अ गुड एक्टर यू शुड बी इंटरनली एफिशिएंट एंड एक्सटर्नली एफिशिएंट. सो आई रियली बिलीव दैट इफ यू कीप डूइंग दीज वैल्यू एडिशंस थ्रू योर लाइफ यू विल रीच अ प्लेस वेयर यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसिस एंड बिकॉज ऑफ ऑब्जर्विंग दैम. उसके अलावा आप वो सब भी कर सकोगे जो एंटरटेनमेंट जिसको बोला जाता है. मेरी अगली फिल्म है अंग्रेजी में कहते हैं, वो संजय मिश्रा जी के साथ है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव. और उसमें पहली बार लाइफ में मैंने येलो शूज़ पिंक शर्ट्स, इट्स वेरी बनारस का लड़का, वेरी ढिंचैक. एंड वी जस्ट वन एन अवार्ड इन न्यूयॉर्क एट द साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, HBO का होता है. एंड द फिल्म इज प्रीमियरिंग टुमारो एट जयपुर, इट्स द ओपनिंग फिल्म एट जयपुर. और उसमें लोगों ने न्यूयॉर्क में देखा और मुझे कहा कि यू नो वी हैव सीन यू इन LSD चौरंगा बकरापुर, वी डिडंट नो यू कुड डू दिस. सो आई सेड बिकॉज नोबडी गेव मी रोल्स टू डू दिस, यू नो आई हैव ट्रेन्ड ऑल माई लाइफ टू डू ऑल दिस. यू शुड बी रेडी. अगर आप रेडी नहीं होगे तो मौका आएगा मुक्का मार के निकल जाएगा और फिर आप बोलोगे यार. सो द ट्रिक इज डोंट मेक एक्सक्यूजेज, स्टे पर्सिस्टेंट बिकॉज नथिंग इज डिफिकल्ट. इफ यू आर पर्सिस्टेंट यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड एंड इवेंचुअली यू विल गेट वे यू वॉन्ट टू. इफ यू हैव अ ड्रीम देर इज अ वे टू अकम्प्लिश इट. देर आर 50 lakh एक्टर्स, देर आर 50 lakh वेज टू डू इट, बट वन कॉमन थ्रेड इन ऑल दोज 50 lakh वेज इज being persistent and having perseverance. Thank you very much. Lovely talking to you all. Hi, my name is Anshuman Jha, and if you resonate with my story, please comment below and please subscribe to Josh Talks and keep listening to all these wonderful people giving their views and their experiences. Thank you.